हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी कि आप पुराने साइड टेबल या वुड फर्नीचर या फिर सोफ़ा पर किस तरह पॉलिश कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिना पॉलिश उखाड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की पेन और पॉलिश वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी देखिए दोस्तों, यह है टेबल, इस पे बिनियर लगा हुआ है टिक प्लाई। ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल सड़ चुका है। तो इसमें हम पॉलिश करेंगे, रिपॉलिश करेंगे इस पर, और इसको इसकी पॉलिश हम उखाड़ेंगे नहीं, बिना उखाड़े इस पे पॉलिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। दोस्तों, पहले इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, एकदम क्लीन कर लेंगे। जिसमें मिट्टी जो बैठी हुई है, धूल मिट्टी बैठी हुई है, इसको क्लियर कर लेना है, अच्छे से झाड़ लेना है ब्रश से या फिर कपड़े से। बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों इसको साफ कर लेना है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करें प्लीज़। दोस्तों, इसके बाद हम पानी से इसको साफ़ करेंगे। पानी लेंगे, एक कपड़ा लेंगे, उसको भिगाकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ देना है। जो भी इसमें धूल मिट्टी लगी हो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाए। दोस्तों, यह पॉलिश बिल्कुल लो बजट में है, 220 नंबर इसमें रेक माल लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यह 220 नंबर रेग माल या फिर आप 150 नंबर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यह पॉलिश बिल्कुल लो बजट में की जाती है, कोई भी कर सकता है इसको, या चाहे वो उसका काम जानता हो या ना जानता हो, फिर भी आप कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कैसे करते हैं। बिल्कुल इसको दबा कर एक माल लगाना ताकि जो इसमें माल चढ़ा हुआ है कट जाए अच्छी तरह से, और जहाँ पे उबड़ खाबड़ हो एकदम बिल्कुल बराबर हो जाए। इसके बाद दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे बिल्कुल। दोस्तों, यह लागदाना, हमने लागदाना गलाया था डब्बे में पहले से, और एक बोतल में हमने निकाल कर रखा हुआ है। अब इस पर हम लागदाना अप्लाई करेंगे तरकी अंबर के साथ। ब्राउन कलर अंबर लेंगे और लागदाना लेंगे, इसको ऐड करेंगे इस तरह से, जिस तरह से दिखाया जा रहा है वीडियो में। एक साफ डब्बे में हम लागदाना ले लेते हैं। दोस्तों, यह है 1001 नंबर टर्की अंबर ब्राउन कलर। इस लागदाना में इसको हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। इस पे हम दोस्तों वॉलनट कलर करेंगे। तो वॉलनट कलर करने के लिए पहले दोस्तों हम टर्की अंबर से इसका बेस अच्छा बनाएंगे, इसके बाद फिर हम वॉलनट कलर करेंगे इस पे। दोस्तों, इस तरह एक दो हाथ इस पे अप्लाई कर देना है सभी जगह पर। इसको दो हाथ अप्लाई करने के बाद फिर इस पर हम पुट्टी से इसकी रिपेयरिंग करेंगे। आप चाहते हैं पुट्टी हाथ से बना लें या फिर वुड पिलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, हमने दो हाथ कलर मार दिया इस पर लागदाना, ये सूख भी गया है। इस पर अब हम पुट्टी रिपेयर करेंगे।
अब पुट्टी हम आज हाथ से बनाएंगे। आप चाहे तो वुड पिलर का भी प्रयोग कर सकते हो। पुट्टी बनाने के लिए हम टर्की अंबर लेंगे और ये फेविकोल इसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी मजबूती बढ़ जाए पुट्टी की। यह है 4 इंची की पत्ती, इसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड कर देना है और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देना है। दोस्तों ये देखिए हमारी पुट्टी बन गई है बिल्कुल। अब इस पर हम रिपेयर करेंगे सभी जगह पर। चलिए आप ये रिपेयर कर देते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हमने पुट्टी रिपेयर कर दिया, ये सूख भी गई है और इस पर हम 220 नंबर से इसकी सेंडिंग कर देंगे। दोस्तों यह है 220 नंबर पेपर। अब इसको दबा कर सेंडिंग करना है ताकि जहाँ पे हमने पुट्टी रिपेयर किया बिल्कुल बराबर हो जाए। चलिए दोस्तों इसको हम सेंडिंग कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों हमने सेंडिंग कर लिया है, अब इसको अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद दोबारा हम इसमें लाख दाना और टर्की अंबर कलर ऐड करेंगे और दो हाथ फिर इस पर कलर चढ़ाएंगे ताकि बिल्कुल ये पक्का हो जाए एकदम, हमारी पुट्टी भी बिल्कुल पक्की हो जाए। क्योंकि दोस्तों वॉलनट कलर चढ़ाने में प्रॉब्लम ना होगी, फिर एक दो हाथ कलर हम अगर वॉलनट मारेंगे बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा कलर। इस तरह से करने पर ये फ़ायदा होता है। चलिए दो हाथ इस पर अप्लाई कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं वीडियो में। दोस्तों हमने दो हाथ अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल सूख भी गया है। और दो हाथ अप्लाई करने के बाद कम से कम आधा घंटा तो इसको रखना ही है सूखने के लिए। दोस्तों यह नेरोलैक का वंडर वुड स्टेनर है वॉलनट कलर। इसकी MRP 60 रुपये है। आप किसी भी पेंट की दुकान से आसानी से ले सकते हैं इसको। दोस्तों यह लाखदाना है जो हमने गलाया था पहले डब्बे में। लाखदाना को स्पीड से गलाया जाता है दोस्तों। एक डब्बे में हम लाखदाना लेंगे और इसको इसमें हम वॉलनट कलर को ऐड करेंगे। दोस्तों कलर को अपने हिसाब से रखना है, जितना आपको डार्क चाहिए उसी उतनी हिसाब से इसमें ऐड करना है कलर को। तो उतनी हाथ मारेंगे उतनी ही डार्क होता रहेगा ये, जितना हाथ आप अप्लाई करेंगे उतनी ही डार्क करता रहेगा। एक कॉटन कपड़ा लेंगे दोस्तों, बिल्कुल साफ कपड़ा कॉटन। तो चलिए दोस्तों इस पर हम कलर सेट कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में।
दोस्तों जितना इसको आप इस पर हाथ अप्लाई करते रहेंगे उतना ही डार्क होता चला जाएगा। तो ये आपको पता है कि जितना इसको डार्क करेंगे उतना ही डार्क होता रहेगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल कलर सेट हो गया है, इस तरह का कलर आया हुआ है। अब दोस्तों इसको सूखने के बाद इसमें हम रेगमाल लगाएंगे 320 नंबर या 220 नंबर। दोस्तों इस पर अब हम टॉप कोट करेंगे। टॉप कोट करने के लिए हमने नेरोलैक का वंडरवुड 1K PO यूज किया है, इसका हम प्रयोग करेंगे। इसकी MRP 160 रुपये है, आधा लीटर मिल जाएगा आपको 500 ml का। दोस्तों आप चाहे तो पियो ग्लोसी या मेलामिन ग्लोसी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका पास चंद्रस और चंद्रस का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पर टचवुड अप्लाई करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्रश से अप्लाई करेंगे उसमें हल्का निशान पड़ेगा, अगर कपड़े से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसको सुखा सुखा कर अप्लाई करना है दोस्तों, क्योंकि ये सूखने में टाइम लेता है। एक हाथ अप्लाई करिए, उसके बाद 1 से 2 घंटे या दो या तीन घंटे में ये सूख जाएगा। फिर दोबारा अप्लाई करिए, जितना अप्लाई करते रहेंगे उतनी इसमें शाइनिंग आती रहेगी दोस्तों। लेकिन इसको सुखा कर अप्लाई करिए, दोबारा हाथ उस पर नहीं घिसना है दोस्तों, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, शाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ये फाइनल हो गया है, एकदम शीशे से चमक आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।